जो बच्चे अब अपनी क्लास 10वीं या 12वीं कंप्लीट कर रहे हैं और वो उनके स्कूल की अंतिम क्लास है, यानी कि हाई स्कूल में है तो 10th और सीनियर सेकेंडरी स्कूल में है तो 12th, तो उनकी टैब को वापस लेना है, उनको रिसीव करना है। जो सबसे बड़ी समस्या बहुत सारे साथी फिर टीचर फेस कर रहे हैं वो ये है कि यहाँ पे टैब के ऊपर एक IMEI नंबर होता है और दूसरा सिम नंबर, ये दोनों चीज़ें एंट्री करनी होती हैं। और इन दैट केस क्योंकि काफ़ी लंबे चौड़े डिजिट हैं, इसको इतने लंबे को एंटर करने में कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिजिट की गलती हो सकती है। और आप अच्छे से जानते हैं अगर IMEI नंबर या सिम में एक भी डिजिट की गलती होती है तो वो इनवैलिड हो जाता है। और अगर आप मैनुअली इनको एंटर करते हैं तो बहुत लंबा समय इसमें लग सकता है एक एक को। तो मैं यहाँ पे आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप IMEI नंबर और सिम नंबर को एंटर कर पाएंगे विदाउट एनी एरर और एक सिंगल क्लिक के अंदर। और कुछ खास रिक्वायरमेंट इसके लिए नहीं है, जो चीज़ें मैं यहाँ पे बताऊंगा वो सारी चीज़ें आपके पास पहले से अवेलेबल है। रिक्वायरमेंट क्या है इस सारे काम को करने के लिए, जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है वो है आपका एंड्रॉयड फ़ोन, आपके पास एक एंड्रॉयड फ़ोन होना चाहिए। दूसरा, आपके पास PC कोई भी है वो आप यूज़ कर सकते हैं, बट एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो PC आप इस्तेमाल करें उसके अंदर क्रोम ब्राउजर इंस्टॉल हो। और ये चीज़ ध्यान रहे कि मोबाइल और PC के अंदर जो अकाउंट आप लॉगिन कर रहे हैं वो सेम अकाउंट होना चाहिए। सेम अकाउंट से आप अपने मोबाइल फोन के अंदर जो प्ले स्टोर वगैरह या जो भी आप अकाउंट यूज करते हैं वो, और क्रोम ब्राउजर के अंदर आप जो अकाउंट यूज करेंगे वो भी सेम होना चाहिए। जैसे ही आप अपने मोबाइल फोन को अनलॉक करते हैं तो यहाँ पे आपको ये एक लेंस का ऑप्शन मिलेगा। अगर ये लेंस का ऑप्शन आपको दिखाई नहीं देता तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपको प्ले स्टोर ओपन करना है और यहाँ पे टाइप करना है गूगल लेंस। तो ये ऐप है, ये ऐप आपको इंस्टॉल करनी है अपने फोन के अंदर, गूगल लेंस नाम की ये ऐप है, ये ऐप आपको इंस्टॉल कर लेना। किसी भी टैब के ऊपर आपको IMEI नंबर यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देगा, इस IMEI नंबर को आपको रीड करवाना है फोन से। तो आपको क्या करना है, इसको आप रख लें, थोड़ी सी रोशनी हो ये चीज़ ध्यान रहे। और आपका जो फोन का ये मैंने बताया था ये है, इसको इस तरीके से ऑप्शन, डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन हैं। इसमें से जो सबसे नीचे ऑप्शन है टेक्स्ट का, इसको आपको सेलेक्ट करना है कि हम इस तरीके से इस नंबर को स्कैन करेंगे, देख सकते हैं इस तरीके से, और यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए इसने काफ़ी सारे नंबर्स यहाँ पे स्कैन कर लिए हैं। अब हमें क्या करना है, जो IMEI नंबर है उसके ऊपर क्लिक करना है। तो ये सिर्फ इतने हिस्से को इसने कर लिया, और यहाँ पे ऑप्शन आएगा नीचे कॉपी टेक्स्ट का, कॉपी टेक्स्ट नहीं करना है आपको, आपको इसने को करना है कॉपी टू कंप्यूटर। यहाँ पे ये पूछेगा कंप्यूटर का नाम जिस पे आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो मैंने ये कर दिया। और देखना यहाँ पे, देखिए ये इसके अंदर आ चुका है क्योंकि मैं क्रोम इंस्टॉल कर चुका हूँ। अब आपको क्या करना है, इस कॉलम के ऊपर जाएं और यहाँ पे आपको प्रेस करना है अपने कीबोर्ड पर Ctrl+V, Ctrl+V। जैसे ही प्रेस करते हैं तो आप देखिए यहाँ पे तुरंत ऑटोमेटिकली नंबर आ जाता है और आपको कोई समस्या यहाँ पे आने वाली नहीं है। अब इसी तरीके से आपको सिम का नंबर करना है तो उसी तरीके से सिम के नंबर के ऊपर भी रखेंगे, और यहाँ पे उसी टाइप से फिर से बैक जाके हम इसी तरीके से इसके ऊपर सर्च करेंगे, सेम मेथड यहाँ पे क्लिक करना है, और ये हमने सेलेक्ट कर लेना है नंबर को, सिम नंबर सेलेक्ट हो गया, और नीचे ऑप्शंस आएंगे कॉपी टू कंप्यूटर, तो कॉपी टू कंप्यूटर करना है हमने इस तरीके से। एंड सेम चीज़ यहाँ पे भी आ जाएगी, देखिए फिर से। अब सिम नंबर को यहाँ पे अगेन हम जाना है सिम नंबर की जगह पे, और इसके अंदर क्लिक कर देना है Ctrl+V, और ये देखिए यहाँ पे ये नंबर आ चुका है। तो ये एक आसान सा तरीका है सिम नंबर को या किसी भी नंबर को एंटर करने का। अगर बाई चांस ही इसके ऊपर यहाँ पे पेपर के ऊपर नहीं मिलता आपको IMEI नंबर, तो इसके ऊपर भी लिखा हुआ है डब्बे के ऊपर भी, यहाँ से भी आप इसका IMEI नंबर ले सकते हैं। और वो भी नहीं होता तो यहाँ पे *#06# से भी पता कर सकते हैं IMEI नंबर। एक इजी सा मेथड था जिसकी हेल्प से आप डाटा को एक्यूरेटली और कम टाइम में एंटर कर पाएंगे, आपका बहुत सारा समय बचेगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर द डे, थैंक यू वेरी मच।